हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नथिंग इम्पॉसिबल पम्मी। मैं हूँ पम्मी, जो अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो फिर से एक बार मॉर्निंग की शुरुआत हमारी अलार्म घड़ी के साथ हो गई है, क्योंकि अभी हमारे पितृपक्ष ख़त्म नहीं हुए हैं और इस समय मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि आज भी रचित को जाना था। तो बस 5:30 बजे लग रही है हमारी झाड़ू और बाहर आप देख सकते हैं अभी इस समय काफ़ी अंधेरा है। इसके बाद सीधे हम नहा धो के आ गए हैं किचन में। आटा मैंने मार दिया था और यहाँ मम्मी हमारी गाय की और कौवे वगैरह की जो रोटियां होती हैं वो निकाल रही हैं, और इसके बाद ही भाभी आके फिर रचित का जो भी खाना बनेगा वो उसको बना लेंगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके साथ सीधे हम चल रहे हैं हमारे भगवान जी के कमरे में, और मैं नॉर्मली पूजा अपनी धूप बत्ती जला के ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी हैं, मम्मी बाद में दिया जलाती हैं, और मम्मी अभी गई थी मंदिर पीछे पूजा करने के लिए, तो बस मैंने धूप बत्ती जला दी है। और इसके बाद हमारी 7:45 बजे हो रही है फर्स्ट चाय, क्योंकि हम लोग नहा चुके थे और मॉर्निंग में ही जल्दी और उस टाइम चाय वगैरह नहीं हुई थी, तो ये हमारी फर्स्ट ही चाय है। और इसके बाद मैं लगी हूँ हमारे सफाई कार्यक्रम में, क्योंकि आज है थर्सडे जिसकी वजह से मुझे पोछा नहीं लगाना है। मम्मी ने मुझे थर्सडे के लिए पोछा लगाने के लिए वैसे भी मना कर रखा है, तो बस यहाँ की जो थोड़ी बहुत हमारी साफ़ सफाई होती है बस मैं उसको कर लूँगी, क्योंकि बेड काफ़ी गंदा हो रहा था। और इसको मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े से यहाँ की डस्ट जो है वो पूरी तरह से पुछती नहीं है, जिसलिए मैंने कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया था। और इसके बाद ही हम जाएंगे हमारा खाना आना बनाने के लिए, जो भी हमें बनाना है। वैसे तो आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो खाना निकलेगा बस वो मुझे निकालना है, क्योंकि आज हमारे पापा को ख़त्म हुए 8 साल कम्प्लीट हो गए हैं और नवी साल लग गई है, तो हम लोग उनके लिए भी थाली निकालेंगे। और वैसे हमारे यहाँ मेन श्राद्ध जो होता है वो अमावस्या वाले दिन होता है, क्योंकि हमारे अम्मा बाबा का श्राद्ध भी उसी दिन होगा। और इसके अलावा जो हमारे पापा हैं वो भी अमावस्या वाले दिन ही ख़त्म हुए थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 3 लोगों का श्राद्ध होगा। और इसके लिए हमने काफ़ी कुछ सोचा भी हुआ है कहीं जाने के लिए, और कल की काफ़ी तैयारी भी करनी होगी, तो जितना हो सकता है उतना मम्मी यहाँ से ले लेंगी। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भैया से मंगानी पड़ेगी हमें मार्केट से, और उस दिन भैया की भी छुट्टी है, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी जल्दी जल्दी में हमें ये करना पड़ेगा। फिलहाल हमने अपने कमरे की सारी सफाई कर ली है। लुढ़क जाओगे, बस इसके बाद मत दीजिएगा, क्योंकि पीता नहीं बर्बाद करता है। पियो आप, अब का चाहिए? पियोगे तो पिएंगे कहाँ से? पी लो। हाँ नहीं, उसको पियो ना जाके तुम। पियो क्या चाहिए तुम्हें? गोल्डी को बिस्किट के साथ दूध पसंद है। और इसके बाद आ गया था हमारा गोल्डी, और सच बताऊँ तो ये जब आता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आती है। और इसने भी जैसे तय कर लिया है कोई हमारा फेस्टिवल टाइम होता है या कुछ भी, मतलब ऐसी हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं उस दिन के लिए, तो बस उस दिन वो ज़रूर आता है। जैसे लास्ट टाइम ये आया था हमारे भैया के बर्थडे पे, और इसके बाद आज आया है जब हमारे पापा को ख़त्म हुए, मतलब इतने साल हो गए हैं, तो आज फिर वो आ गया है। अब देखते हैं श्राद्ध वाले दिन क्या होता है, वो आता है नहीं आता है, जैसा भी है। और इसके बाद हम तैयारी कर रहे थे हमारी सूखी सब्जी बनाने की, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बंद गोभी रखा हुआ था, तो बंद गोभी शिमला मिर्च और टमाटर की ही हमने सब्ज़ी बनाई है, जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि हम लोग को नॉर्मल सब्ज़ी में टमाटर काफ़ी पसंद है और मम्मी को भी काफ़ी पसंद है, तो बस हमने थोड़ा सा टमाटर डाल के बना लिया। हालांकि भैया टमाटर वाली ऐसी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, और वो हम लोग को बहुत चिल्लाते हैं कि हर चीज़ में तुम लोग टमाटर क्यों डालती हो, बट रियल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही यम्मी लगती है। और बस इसे हम थोड़ा सा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं एक रोटी निकाल रही हूँ, जो कि हमारे थाली में निकाली जाएगी,
हालांकि मम्मी मॉर्निंग में ही 3 रोटी निकाल चुकी थी, बट ये रोटी अभी हम भगवान के पास रख देंगे और इसके बाद ही हम इसको बाद में शाम को गाय को दे देंगे। और फाइनली यहाँ का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम सीधे जाएंगे हमारे कमरे में और जो थोड़े बहुत बर्तन थे बस उसको भी हम साफ कर लेंगे। वैसे तो हमने अमावस्या के लिए काफ़ी कुछ सोचा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाऊं कि हम कैसे क्या करते हैं और आप क्या ये कैसे होता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। फाइनली यहाँ पर आ गया है हमारा खाना। मैंने बनाई थी आज बंद गोभी, मटर नहीं थी, टमाटर और हमारी शिमला मिर्च की सब्जी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और मम्मी ने यहाँ काट लिया था सैलेड। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी टेस्टी वाली सब्जी, और ये है पराठा, और ये मेरी थी रात की रोटी जिसको मैंने करा ली एकदम वो कर लिया सेक लिए पापड़ जैसी, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये हमारा मीठा दही, और ये है हमारा सैलेड, और ये है चाय। और आज हमारे पापा को ख़त्म हुए 9 साल हो गया है, पूरा 8 साल कंप्लीट हो गया, 9वें में लग गए ना, 9 साल अब लग गया है। तो आज हमने इनका भोग निकाला है और अभी हम लोग अभी लास्ट डे पे हमारे यहाँ होता है श्राद्ध, होता है हमारा अमावस्या वाले दिन, क्योंकि जब पापा ख़त्म हुए थे तो अमावस्या ही हमारी लगी थी, तो जिसकी वजह से हम सारे श्राद्ध जो है हमारा लास्ट में ही होगा, हमारे यहाँ एक ही होता है क्योंकि हमारे पापा तीसरे भाई थे ना, हाँ बीच के थे, जिसकी वजह से और श्राद्ध नहीं होते, हम लोग लास्ट डे सबका करते थे और पापा भी उसी दिन ख़त्म हुए इसलिए सबका एक साथ ही होगा। ये है हमारे आज के विक्रम बेताल की जोड़ी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। विक्रम 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 बेताल ताल ताल, पूरे विक्रम बेताल ही लग रहे हो। तुम करो ना, तुम कर दो, मैं तो कह ही रही हूँ तुम चैनल सब्सक्राइब करो। 2 hours later, तो अभी फाइनली हमारा बज रहा है 7:10 और अब हम जा रहे हैं टिक्की बनाने, क्योंकि काफी टाइम हो गया। भाभी ने आलू वगैरह सब उबाल के रख दिए हैं, बटर जो है उसको भी बॉयल कर दिया है, तो बस अब हम चलते हैं टिक्की बनाने और टिक्की बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं टिक्की बनाने। आलू वगैरह भाभी ने बॉयल करके मैश कर दिए थे और इसमें मैं सिंपली मिला रही हूँ अरारोट, जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोला जाता है, और सिंपल हमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम इसे नॉर्मली चटनी वगैरह से ही सर्व करते हैं। और हमारे हाथ की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई है, और इसको हम गोल गोल लोई बना देंगे। और ये वाली सबसे पहली जो लोई है हमारी छोटी सी, ये हम भगवान जी के लिए निकाल देंगे, क्योंकि अभी दही बड़े के लिए जो हमारी चटनी बनी थी वो काफ़ी रखी हुई थी, और इसके बाद हमारे नवरात्र के फास्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी ये सब चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी। और पापा को भी टिक्की काफ़ी पसंद थी जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम टिक्की ही बनाएंगे। और ये मैंने फोड़ने के बाद इसको दूसरा राउंड सेका है जिससे हमारी जो टिक्की है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगी। आप जितनी देर इसको फ्राई करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी टिक्की जो है वो क्रिस्पी सिकती हैं। और यहाँ चटनी वगैरह सब चीज़ें बन चुकी हैं, मीठी चटनी हमारी रखी हुई थी और बाकी सब चीज़ें हमने बना ली हैं। और यहाँ पर मम्मी मॉर्निंग में ही ले आई थी हमारी छोटी वाली मटर आती जो वाइट वाली, क्योंकि वो टिक्की में सही लगती है। और ये सब काम जो है वो भाभी कर रही थी, मैं क्योंकि इस समय टिक्की सेक रही थी और रचित जो है वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसमें हमने काला नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डालेंगे और हमारा दही डाल दिया है, हरी चटनी डाल दी है और ये हमारा है भुना जीरा, और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि इससे ये काफ़ी अच्छी लगती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। और क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब हमने नमक पारे बनाए थे तो बस उसी के थोड़े से टुकड़े डाल दिए हैं, क्योंकि इस समय हम लोग प्याज वगैरह नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से हमने नॉर्मल ही ये डाला हुआ था। और यहाँ रचित जो है मम्मी को टिक्की दे के आ गया है, और ये देखिए फाइनली आ गई है हमारी टिक्की जो कि अभी घर पे ही बनी है, देखने में बहुत ही मस्त लग रही है। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसी लग रही है, प्याज की कमी लग रही है? काफी अच्छी लग रही है। चलिए फाइनली आ गई है हमारी टिक्की, अब देखते हैं कि कैसी बनी है। ये देखिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए, प्लेट दे जाना चाट के।
काफी अच्छी बनी है। हाँ आज हमारा पापा जी पापा का पापा को खत्म हुए 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वें में लग गया है। हाँ आज हमने टिक्की इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पापा का कहना था कि जब जो खत्म हो जाते हैं उनकी फेवरेट चीज बनानी चाहिए, और पापा को घर की चीजें ये टिक्की बताशे ये चीज काफी पसंद थे और घर की हर चीज उनको पसंद थी और टिक्की के लिए अक्सर वो कहते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये टिक्की का प्रोग्राम किया है। तो फ्रेंड्स इसी टिक्की के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय।